राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मासानाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्ग शीर्ष नामक मास हूँ। इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह माह अति प्रिय है। इसलिए आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में वर्णित श्री सुखदेव जी द्वारा श्री कृष्ण स्तुति का हिंदी अर्थ सहित पाठ करेंगे। जो लोग अर्थ सुनना चाहते हैं वह वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण स्तुति हे। श्री सुक उवाच, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्तित्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदेशताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकंका यवनः खशादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रैमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्घ्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतो जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलाश्यतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भीर्य इमः पुरो विभुर्
निरमायशीते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः शोल्लङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुरज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। अब हम इसका हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय में नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपह स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालनकर्ता हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व
श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप हमारे इस भगवत कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आर्थिक सहयोग देकर, जिससे हम सनातन धर्म के धार्मिक पुस्तकों को खरीद कर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को बना सकें। आप सभी अपने जन्म कुंडली निर्माण और विश्लेषण, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, शांति पाठ आदि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, जैसे काल सर्प दोष निवारण, महामृत्युंजय जाप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8445108265।